हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई नो आप लोग वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, व्लॉग नहीं आया चैनल पे, दो तीन दिन हो गए। सो मैंने सोचा आज व्लॉग करेंगे, नो मैटर कुछ भी हो जाए आज तो एक व्लॉग मुझे शूट करना ही। और अभी एक्चुअली टाइम हो रहा है रात के 2:30 बजने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग वंडर करो और सोचो कि कैसा पागल रात में 2:30 बजे घर के अंदर सनग्लासेस लगाए। तो सीन एक्चुअली ये है कि राइट वाली आई थोड़ी स्वेल हो गई है मेरी। एक बहुत ही ख़राब आदत है कि मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाता हूँ, मतलब मैं अपनी एडिटिंग फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद जो मेरे पास काम होता है वो होता है इंस्टाग्राम की फीड को स्क्रॉल करते रहना। तो उसकी वजह से थोड़ी देर में मुझे इचिंग होती है, तो फिर मैं आई रब करता हूँ, फिर यही सब हो जाता है मेरे साथ। तो आई नो आप लोग ये भी पूछोगे कि मैं 3-4 दिन से व्लॉग क्यों नहीं कर रहा था। तो रीज़न ये था यार कि मैं घर से बाहर एकदम निकल नहीं रहा हूँ और घर में ही रहता हूँ, तो इतने ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आते। और मेरा क्या है कि यार मुझे घर के बाहर ब्लॉग करने में बहुत मज़ा आती है। मैंने सोच लिया नो मैटर मैं घर के अंदर रहूँ या बाहर कभी निकलता हूँ तो भी आप लोग के लिए शूट करूँगा कुछ ना कुछ। एंड अगर घर में रहता हूँ तब भी बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोग के लिए आते रहेंगे, जैसे कि ये वाला वीडियो होने वाला है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट टॉप 5 परफॉर्मेंस बाइक्स अवेलेबल इन इंडिया और 400cc कैटेगरी। यार मेरी फेवरेट बाइक जो है S1000RR है, और नई वाली S1000 मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यार जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ आप लोग से वो सिर्फ मेरे तक होती है, मतलब जो मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, तो किसी और की फीलिंग्स कुछ और हो सकती हैं, तो कोई ऑफेंड मत होना। और ये जो टॉप 5 बाइक्स की मैंने लिस्ट बनाई है बहुत ही सोच समझ के बनाई है, तो अगर आपको लगता है कोई नाम छूट गया है तो अपने थॉट्स आप कमेंट्स में लिख सकते हो और बता सकते हो मुझे, मे बी नेक्स्ट वीडियो में उनको इंक्लूड करने का ट्राई करूंगा। बाय द वे आपने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने अपना जो लाइट सेटअप है वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। एक लाइट अब मैंने इधर रख दी है और एक लाइट जो मेरी वॉल पे है वो तो है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया होगा। एंड बाय द वे घर पे मैं रह रहा हूँ तो एक तो फ़ायदा हो ही रहा है घर पे रहने का, कि अपने बाइसेप अपने डोले शोले तो बनी रहे। थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहा था मैं एक्चुअली, तो जो लोग देख रहे हैं आप लोग भी मोटिवेट हो, थोड़ा घर पे एक्सरसाइज करो, बॉडी वॉडी बनाओ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। शुरू करते हैं फर्स्ट प्लेस से। तो फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास 3 बाइक्स थी और तीनों बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग है। तो जो पहली बाइक है वो है R3, दूसरी है Duke 390, तीसरी है RC 390। तो ये तीनों बाइक ऐसी बाइक्स है मतलब आप आँख बंद करके इनमें से कोई भी एक पिक कर सकते हो, मेरी गारंटी आप कभी निराश नहीं होगी। और R3 से शुरू करते हैं बिकॉज R3 बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। जो उसका बेस्ट पार्ट लगता है वो उसका हर्ट, मीन्स उसका इंजन। तो डुअल सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है, एक तो यमा है तो बहुत ही रिलायबल रहेगा, दूसरा डुअल सिलेंडर है तो आवाज़ बहुत ही अच्छी आएगी, एंड थर्ड चीज़ की क्या परफॉर्मेंस है, क्या भागती है R3, मज़ा आ जाती है। सो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट प्लेस है उसके लिए 3 बाइक्स थी, तो अभी तो R3 के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इंजन की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे R3। एंड उसके बाद जो फर्स्ट प्लेस के लिए 2 और बाइक्स हैं वो है RC 390 एंड Duke 390। एक चीज़ जिसमें R3 इन दोनों बाइक से बेटर है वो उसका इंजन, बिकॉज उसका इंजन डुअल सिलेंडर है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड, काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है। बट एक चीज़ जो ड्यूक और RC में बेटर है वो है इक्विपमेंट्स ऑन ऑफर, मतलब बेस्ट इन क्लास सस्पेंशन, बेस्ट इन क्लास ब्रेक्स। अगर आप इंजन हटा दो तो हर एक चीज़ RC और ड्यूक में R3 से बेटर है, मतलब जो बेटर हैंडलिंग एनी डे, बेटर ब्रेक्स, बेटर सस्पेंशन, अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं। तो इस चीज़ में डेफिनेटली ड्यूक और RC को थोड़ा सा एज है। और एक्चुअली अगर सिंगल सिलेंडर की बात करें तो अनमैच परफॉर्मेंस देती हैं ड्यूक एंड RC 390। सो अगर आपको ट्रैक करना है तो RC से अच्छी कोई मशीन नहीं है। एंड अगर आपको वर्सटिलिटी चाहिए, ट्रैवलिंग करनी है, टूरिंग करनी है, स्टंट्स करने हैं, रेस करनी है, मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी रेसेस करो आप, बट हाँ बता रहा हूँ आपको ट्रैक करना है तो ड्यूक से आप सब कुछ कर सकते हो, ऑलराउंडर है। एंड R3 का मैंने बताया इंजन बहुत अच्छा है, उसके अलावा जो सीटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो टूरिंग आप R3 से भी कर सकते हो। तो ये 3 बाइक्स थी फर्स्ट प्लेस के लिए। सेकेंड पे ऑफकोर्स मैं रखूँगा Ninja 300 को, बिकॉज बहुत ही डिजर्विंग बाइक है, बट Kawasaki ने उसको कोई अपडेट नहीं दिया है और मतलब उतनी खास उसकी हैंडलिंग नहीं लगी मुझे, और मतलब बड़ा ही जो इक्विपमेंट्स ऑन ऑफर है ना, सस्पेंशन कुछ खास नहीं लगे, ब्रेक्स बहुत ही एवरेज लगी। तो सिर्फ अगर इसलिए रख रहा हूँ मैं उसको क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। क्या बात है। निंजा 300 थोड़ा सा लेजेंडरी बाइक मैं मानता हूँ, बहुत ही
पसंद थी एक टाइम पे मुझे। और जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा जो मैं फील करता हूँ, और टॉप 5 बाइक्स उसी अकॉर्डिंग कुछ मैंने अरेंज करी हैं। तो आई होप आप लोग समझ सकते होंगे कि निंजा 300 सेकेंड पोजीशन पे क्यों है। फर्स्ट पे इसलिए नहीं है बिकॉज उसको थोड़े से अपडेट की ज़रूरत थी जो कि कावासाकी ने नहीं दिए। तो ये हो गई फर्स्ट पोजीशन, एंड सेकेंड पोजीशन मैंने आपको बता दिया निंजा 300 है। तो अगर थर्ड प्लेस की बात करें तो डेफिनेटली अपनी अपाचे आर आर 310 आएगी, अपना इंडियन ब्रांड है। तो बहुत ही प्यारी बाइक बनाई है लुक वाइज, मतलब मैं तो उसको 9 दूंगा, और क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, काफ़ी हद तक डुकाती से इंस्पायर्ड लगता है उसका रेड वाला कलर। टेल सेक्शन भी अच्छा है, आगे बाई LED सेटअप आपको मिल जाता है, तो डिज़ाइन वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है। परफॉर्मेंस वाइज भी मैं कहूँगा 300 CC के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। एक चीज़ थोड़ी रिफाइनमेंट की कमी मुझे फील होती है, और जो एग्जॉस्ट साउंड है वो जब आप चलाते हो तब तो बहुत अच्छा लगता है, बट कोई अगर दूसरा सुनता है तो उतना ज़्यादा मतलब प्लीजिंग नहीं लगता है कानों को, थोड़ा सा खड़खड़ाता है अजीब सा। तो इसलिए थर्ड पोजीशन पे है अपाचे RR 310। बहुत ही डिजर्विंग बाइक है, बहुत ही अच्छे 0-100 फिगर्स हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी बाइक का 0-100 मैंने कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गई थर्ड प्लेस। फोर्थ प्लेस पे एक ऐसी बाइक है जो बहुत ही डिजर्विंग है बट बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली प्राइस है इंडिया में, तो वो है निंजा 400। अगर निंजा 400 की बात करें तो वो जितनी भी बाइक्स मैंने ऊपर ली ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबको बीट कर सकती है एक्सेलरेशन में, परफॉर्मेंस में, बट जहां वो मात खा जाती है इंडिया में, इसलिए उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं हुई बिकॉज उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कोई बाइक 400 CC कैटेगरी की 500,000 के क्लोज रखते हो तो ऑलरेडी वो थोड़ा सा मतलब बजट के बाहर जाती है लोगों के, तो इस वजह से मैंने इसको फोर्थ पोजीशन दी। ऑल दो बाइक अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली बहुत ही प्यारी है, और हैंडलिंग भी अच्छी लगी, सीटिंग पोजीशन थोड़ी कंफर्टेबल है, तो आप टूरिंग भी कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर मशीन है। एंड ऐसे शूट करते करते एक्चुअली हाथ दर्द होने लगता है। सो ये हो गई चार बाइक, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। निंजा 400 में आपको डुअल सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, और क्या एक्सेलरेट होती है भाई, मतलब टॉप एंड तक ऐसा पुल करेगी कि मज़ा आ जाएगी। आई विश थोड़ा और स्पोर्टी होती, जो पोस्चर है थोड़ा और अग्रेसिव होता RC की तरह, तो और ज़्यादा मज़ा आती, एंड डिज़ाइन थोड़ा सा और मैच्योर होना चाहिए था बिकॉज ZX6R का डिज़ाइन निंजा 400 का डिज़ाइन काफ़ी हद तक सिमिलर लगता है, और काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिकी लगता है, इवन जो नई वाली 10R है उसका भी। बट जैसे कि मैंने बोला यार, सिर्फ ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, तो कोई ऑफेंड मत होना। बाइक्स बहुत अच्छी हैं सारी, सबकी अपनी पसंद होती है। सो अब बढ़ते हैं फिफ्थ पोजीशन की तरफ। तो फिफ्थ पोजीशन पे ऐसी बाइक है जो उतनी ज़्यादा सेल आउट नहीं हुई, बट बाइक मुझे थोड़ी पसंद है क्योंकि हम परफॉर्मेंस बाइक्स की बात कर रहे हैं। तो BMW G310 एंड GS310, ये दोनों ही बहुत ही अच्छी बाइक हैं, और दोनों ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल्स हैं। आप GS से ऑफ रोडिंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। एंड GS तो नो डाउट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा पसंद है। मैं एडवेंचर छोड़ के GS ले सकता हूँ, इतने अच्छे सस्पेंशन है, इतना अच्छा उसका टॉर्क बैंड लगता है मुझे। एंड G310 ऑन दी अदर हैंड ओके लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगती, काफ़ी प्लस लगती, काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, बट अगर आप उसको ड्यूक 390 से कंपेयर करते हो तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा वो मात खा जाती है। सो फिफ्थ पोजीशन के लिए सिर्फ BMW G310 GS310 नहीं है, एक और बाइक है जो मुझे लगता है इस प्लेस को डिजर्व करती है, वो है कॉन्टिनेंटल एंड इंटरसेप्टर GT650। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल्स, ऑल दो हैंडलिंग उस लेवल की आपको नहीं मिलने वाली है जो बाकी बाइक्स हैं इस कैटेगरी में, वो काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, बट जो पावर है, जो फील है, एक्चुअली जो फील वाला पार्ट है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा नंबर स्कोर करती है, आपको बहुत ही अच्छा फील मिलेगा। एंड इनफैक्ट जो दो सिलेंडर मोटर रॉयल एनफील्ड ने डेवलप करी है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छा थंप मिलता है, मतलब जैसा हार्ले होती है ना, हार्ले टाइप वाला थंप आपको मिलने वाला है। Traveling mountains just to find the loudest seas. We said no matter fire, no, we could.
बढ़िया फील होता है एक्चुअली। तो आई होप आपको ये टॉप 5 लिस्ट अच्छी लगी होगी एंड मज़ा आई होगी आपको इस वीडियो में। तो अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करो। एंड मैंने और भी काफ़ी ऐसी सोचा है वीडियोस बनाने को, मतलब कि जैसे टॉप 5 बाइक्स 200 cc कैटेगरी, 250 cc, मतलब अंडर 250 cc कैटेगरी, या फिर उसके बाद लीटर क्लास में भी कर सकते हैं ऐसे वीडियोस। तो आप लोग कमेंट करो आप क्या देखना चाहते हो। इंस्टाग्राम हैंड डिस्प्लोर अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, बिकॉज रील्स बहुत ही अच्छी आने वाली हैं और ऑलरेडी एक्चुअली आ रही हैं। वीडियो के लास्ट में एक दो रील अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो। और अगर वर्थ लगे फॉलो करना तो डेफिनेटली फॉलो करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, हमें 1 मिलियन हिट करना है बहुत जल्दी। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे एट होम, स्टे सेफ। बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग आप लोग के लिए।